स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.7 की क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। यहां पर दो इक्वेशंस दी गई हैं। सबसे पहले हमें ये ग्राफ ड्रॉ करना है इनके लिए। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। जब हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे इन दोनों लाइंस का, तो ये दोनों लाइंस एंड वाई एक्सिस मिलकर के एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। 5x minus y is equals to 5। तो यहां पर अगर हम y equals to यहां लिखेंगे 5x minus 5, तो सॉल्यूशन बॉक्स क्या बनेगा इनके लिए? हम x की वैल्यूज लेंगे एंड y की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। So, सबसे पहले अगर हम x को 0 रखते हैं तो y कितना मिलेगा? माइनस 5। x को अगर हम 1 रखें तो यहाँ पर 1, तो 5 माइनस 5 से y 0 बन जाएगा। x को अगर 2 रखें तो यहाँ पर 10 माइनस 5 से ये 5 बन जाएगा। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। तो सॉल्यूशन बॉक्स क्या बनेगा? इस तरह से हम 3 वैल्यूज लेंगे x एंड y के लिए। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू +3 आएगी। ओके, तो इसकी हेल्प से अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ग्राफ के x एक्सिस एंड y एक्सिस बना लिए हैं। अब हम ये नंबर्स यहां पर प्लॉट कर लेंगे। तो 0 एंड -5, 0 एंड -5, ये पहला पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद है 1 0, तो ये है 1 एंड यहाँ पर y की वैल्यू है 0, तो ये सेकंड पॉइंट हमें मिला। इनको हम जॉइन कर देते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट है 2 5, तो 2 एंड 5, यहाँ पर हमें 2 5 मिलेगा। इस तरह से हम देखेंगे एंड लाइन को आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमारा पॉइंट है 2 5। ओके, ये हमारा पॉइंट है 1 0 एंड ये हमारा पॉइंट है 0 -5। तो ये पहली इक्वेशन की लाइन क्रिएट हुई है। अब हम दूसरी लाइन बना लेते हैं। पॉइंट से 0 -3, 0 एंड -3, ये पहला पॉइंट हमें मिला 0 -3। सेकंड पॉइंट है 1 0, तो ये सेम पॉइंट हमें मिला है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। एंड थर्ड है 2 3, तो 2 पर 3, 2 एंड 3, तो यहां पर ये पॉइंट आएगा। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये इस पॉइंट को कट करेगी। ओके, तो यहां पर हमारा पॉइंट है 2 3। ओके, इस तरह से ये दोनों ही लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब हम देखेंगे कि यहां पर ये है पूरा वाई एक्सिस एंड ये है दोनों लाइंस। तो हम यहाँ पर, हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि इन दोनों लाइंस से और वाई एक्सिस से जो ट्रायंगल क्रिएट होगा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर हम इसको फिल कर देते हैं तो हमें ट्रायंगल की शेप दिख जाएगी। ओके, ये एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये जो है ये वाई एक्सिस है। तो y एक्सिस का यहां से यहां तक हमने लाइन ले ली और ये दो लाइंस हमें मिली हैं इन दोनों लाइंस के थ्रू। ओके, तो इन तीनों लाइंस ने ये ट्रायंगल क्रिएट किया है, इसको हम नाम दे देते हैं a b c ट्रायंगल। ओके, सो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल a b c आर, पहला वर्टेक्स क्या दिख रहा है, a क्या है? 1 0, तो 1 0। दूसरा वर्टेक्स हमें दिख रहा है ये वाला पॉइंट, ये है हमारा 0 एंड -3। एंड तीसरा पॉइंट क्या है? 0 -5, 0 -5, यही हमें बता देते इस क्वेश्चन में। तो इस ट्रायंगल के तीनों ही वर्टेक्स हमने बता दिए हैं। हम यहाँ पर इन वर्टेक्स के थ्रू इस ट्रायंगल का एरिया भी बता सकते हैं। कैसे? हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर हम इस ट्रायंगल के बेस को हम ये मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो इनके बीच की गैपिंग कितनी है? 2 यूनिट्स। ओके, तो हम इस ट्रायंगल के बेस को क्या मान सकते हैं? 2 यूनिट्स।
बेस इक्वल्स टू 2 यूनिट। एंड हाइट अगर हम देखें यहाँ पर इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, तो इस ट्रायंगल की हाइट है यहाँ से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है, ये बेस है, तो इस बेस के परपेंडिकुलर अगर हम इस तरह से चलते हैं तो यहाँ से इस ट्रायंगल की हाइट पता चल रही है 1 यूनिट। ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 1, तो हाइट कितनी हुई इस ट्रायंगल की 1 यूनिट। जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल इस तरह से है हमारे पास, ओके, तो हम अगर हम इस तरह से देखें कोई ट्रायंगल इस तरह से हमारे पास, तो हम उसकी हाइट को इस तरह से देखते हैं बेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करके। तो यहाँ पर भी ये बेस है, तो उसके परपेंडिकुलर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहाँ तक जाएगी, ये 1 तक जाएगी। ओके, तो 1 यूनिट इसकी हाइट हुई, बेस हुआ 2 यूनिट, सो एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2 इंटू 1, 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो दिस इज द आंसर। अगर हमसे इस ट्रायंगल का एरिया भी पूछा जाएगा तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर आपके इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।